नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की प्रदेश में किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, विवादित प्रॉपर्टी और अनाधिकृत रूप से कब्जा की गई प्रॉपर्टी के संबंध में 7 दिवस में जानकारी दें। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह निर्देश मंडल को दिए। अयोध्या एक्सटेंशन भोपाल में प्रस्तावित सुरम्य आवासीय योजना के प्रथम चरण की शासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। प्रथम चरण में यहां 40 आवासीय भवन बनाए जाएंगे। योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण में 1360 प्रकोष्ठ भवन एवं 34 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित है। सम्मेलन में रमानगर बाणगंगा कॉलोनी भोपाल के 268 भूखंडों के आवंटन, रिवेरा टाउन के मकानों की विक्री के बाद नामांतरण और रासलाखेड़ी शबरीनगर भोपाल के विकृत भूखंडों के संबंध में निर्णय लिया गया। पंडित दीनदयाल नगर सागर में ऑफर के माध्यम से आवंटित भूखंडों के सीमांकन विवाद के कारण आवंटियों को वैकल्पिक भूखंड प्रदाय किए जाने का निर्णय लिया गया। स्थायी पट्टे का भूस्वामी अधिकार में निर्धारित शुल्क के साथ संपरिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। बहुमंजिला संपत्ति पर यह योजना लागू नहीं होगी। ई पंजीयन और ई ऑफर की कार्यवाही के लिए MP ऑनलाइन के माध्यम से किए गए समझौते अनुबंध को 2 वर्ष बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रोहित अग्रवाल, देवांश जोशी और विजय गायकवाड़ को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सम्मेलन में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास मनीष सिंह, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश अजीत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आपने बैठक की है सर हाउसिंग बोर्ड में, क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा, क्या कुछ फैसला? देखिए, हाउसिंग बोर्ड की जो रूटीन की मीटिंग है, संचालक मंडल की, वो मीटिंग अभी संपन्न हुई है। इसमें आगे की जो हाउसिंग बोर्ड की योजना है, उन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है और जो पूर्व की योजना है उनकी समीक्षा की गई है। मुख्य रूप से बैठक का यही विषय। सर, किन योजनाओं को स्वीकृति मिली है, कोई नया देखने को मिलेगा? नहीं, अनेक योजनाएं हैं जिनको हम रीडेंटिफिकेशन में ले रहे हैं, जिनका DPR तैयार हो रहा है। ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिनको रीडेंटिफिकेशन में ले रहे हैं, कुछ नई आवासीय कॉलोनी जो है वो ले रहे हैं, जैसे तुलसी टावर वगैरह है, ये इसका Phase 2 है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट वाइज नाम बताने में समय लगेगा। ऐसे प्रदेश के अनेक प्रोजेक्ट हैं जिनको हम लोग कर रहे हैं। कार्रवाई जिनने बेची है वो तो है, जब समय दिया जाएगा काम करने के लिए, या काम नहीं किया तो कार्रवाई होगी? नहीं, काम करने के लिए उनको समय देंगे, नोटिस देंगे, और उसके बाद वो अगर काम नहीं करते हैं तो कार्रवाई उनके विरुद्ध करेंगे, ये प्रावधान उसमें है। मतलब समय भी देंगे, ऐसा नहीं है कि सीधा कार्रवाई कर देंगे, समय देंगे। वो जो उनकी अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा तो वो करेंगे, और उनके प्लाट बचे होंगे तो प्लाट सेल करेंगे, तो उसमें से खुरपी करेंगे, उसमें से अगर रिकवरी होती है तो ठीक है, और नहीं होती है तो फिर जो आगे की कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई करेंगे। परंतु पूरी हो चुकी है, डिपो का भी काम यहाँ पर शुरू हो रहा है, इसकी टेंडर भी जल्द होने वाला है। मेट्रो का काम भोपाल में बहुत तेजी से चल रहा है, इंदौर में थोड़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं, भोपाल में तेजी से चल रहा है और जल्दी काम होगा भोपाल में। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।